अपोजिट का मतलब पता है क्या होता है? अपोजिट मतलब जो थीम या पर्सन एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो उसे हम अपोजिट्स बोलेंगे। सबसे पहले अपोजिट आ रहा है वो है बिग अपोजिट स्मॉल, बिग अपोजिट स्मॉल, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल। बिग मतलब जो बड़ा बड़ा हो उसे हम बिग बोलेंगे एंड स्मॉल मतलब छोटू सा हो उसे हम स्मॉल बोलेंगे। आपके घर में भी मम्मा पापा दादा दादी अंकल आंटी वो आप सबसे बिग है तो उसे हम बड़े है तो हम उसे क्या बोलेंगे? बिग। आपसे जो छोटे भाई बहन है उसे हम क्या बोलेंगे? छोटे है इसलिए स्मॉल। हम गार्डन में खेलने जाते हैं ना तो वहां पर कितने बड़े बड़े ट्रीज होते हैं तो ट्रीज को हम क्या बोलेंगे? बड़े होते हैं तो बिग। ट्रीज को क्या बोलेंगे? बिग। और छोटे छोटे प्लांट्स भी होते हैं उसे हम छोटे है तो क्या बोलेंगे? स्मॉल। क्या बोलेंगे उसे? स्मॉल। फिर हम सी देखने जाते हैं तो सी के अंदर तो कितनी बड़ी बड़ी फिशेस होती है वेल शार्क ये सब तो वो बड़ी फिश है इसलिए हम उसे बिग बोलेंगे। एंड घर के एक्वेरियम में तो छोटी छोटी सी होती है गोल्डन फिश ये सब तो उसे हम स्मॉल बोलेंगे। फिर आप रेन में अम्ब्रेला लेकर निकलते हो ना मम्मा पापा के साथ तो मम्मा एंड पापा की अम्ब्रेला तो कितनी बड़ी होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? बिग अम्ब्रेला। एंड आपकी तो छोटी छोटी होती है ना तो उसे हम स्मॉल बोलेंगे। देखो तो मैं आपको ये क्या दिखा रही हूँ मुझे बताना कौन बिग है कौन स्मॉल। ये देखो तो डॉग आए आपसे मिलने के लिए से हाय हाय। ये देखो ये बड़ा डॉग है तो इसे हम बिग बोलेंगे ये छोटा है तो इसे हम स्मॉल बोलेंगे। बिग स्मॉल बिग स्मॉल बिग स्मॉल। जिसे बिग का अपोजिट स्मॉल होता है ना वैसे ही स्मॉल का अपोजिट क्या होता है? बिग। स्मॉल बिग स्मॉल बिग स्मॉल बिग। अब ये देखो क्या आ रहा है हम ज़ू में जाते हैं तो दिखाई देते हैं ये एनिमल्स क्या है ये एलिफेंट तो ये बड़ा एलिफेंट है तो इसे हम बिग बोलेंगे। ये तो छोटू सा है तो इसे हम स्मॉल बोलेंगे। बिग स्मॉल बिग स्मॉल बिग स्मॉल। ये छोटा है तो स्मॉल अपोजिट क्या हुआ? बिग। स्मॉल बिग स्मॉल बिग स्मॉल बिग। अब इसे भाई मैं कर दूं दूसरा आ रहा है। अब ये देखो इससे आप प्ले करते हो यस करते हो ना तो ये क्या है? बॉल। तो ये रेड वन है वो कैसा है? बड़ा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? बिग। छोटे है ये स्माइली उसे हम क्या बोलेंगे? स्मॉल। बिग स्मॉल बिग स्मॉल बिग स्मॉल। स्मॉल अपोजिट क्या हुआ? बिग। स्मॉल बिग स्मॉल बिग स्मॉल बिग। अब ये देखो ये टेडी बेयर आया आप सबके पास भी है ना ये टेडी बेयर ऐसा तो ये तो कितना बड़ा टेडी बेयर है तो इसे हम बिग बोलेंगे। एंड ये देखो तो छोटू सा है तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्मॉल। बिग स्मॉल बिग स्मॉल बिग स्मॉल बिग स्मॉल। अब स्मॉल अपोजिट क्या होगा? बिग। स्मॉल बिग स्मॉल बिग स्मॉल बिग। अब ये देखो ये क्या है बताओ तो मुझे? ओ टमाटर। वो आपने राइम सुनी होगी ना हाँ टमाटर बड़े मजेदार ये वाले देखो टमाटर ये बड़ा वाला टमाटो है तो इसे हम क्या बोलेंगे? बिग। ये छोटू बिग स्मॉल बिग स्मॉल बिग स्मॉल। स्मॉल अपोजिट क्या होगा? बिग। स्मॉल बिग स्मॉल बिग स्मॉल बिग। अब ये देखो क्या है ये है बॉक्सेस तो ये कैसा बॉक्स है? बड़ा बॉक्स तो इसे हम क्या बोलेंगे? बिग बॉक्स। एंड ये छोटू सा है इसे स्मॉल बिग स्मॉल बिग स्मॉल बिग स्मॉल। स्मॉल अपोजिट क्या होगा? बिग। स्मॉल
सबसे पहले है वो कोई कैसा है टेडी बेयर, बड़ा वाला, उसे हम बिग बोलेंगे, छोटू को स्मॉल बोलेंगे, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल। अब छोटू से स्मॉल अपोजिट क्या हुआ, बिग, स्मॉल बिग, स्मॉल बिग, स्मॉल बिग। उसके नीचे देखो तो ये क्या है, बड़ा बड़ा एलिफेंट, उसके बाद जो है छोटी सी कैट है, तो बड़े एलिफेंट को हम क्या बोलेंगे, बिग एलिफेंट, छोटी कैट है तो छोटे को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल। अब कैट छोटी है तो स्मॉल अपोजिट क्या हुआ, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल, बिग। अब इस साइड देखो तो जिराफ, उसके बाजू में क्या है, टोर्टोइस, जिराफ तो बड़ा है इसलिए उसे बिग बोलेंगे, टोर्टोइस छोटा है तो स्मॉल बोलेंगे, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल। अब टोर्टोइस छोटा है तो स्मॉल अपोजिट क्या हुआ, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल, बिग। अब ये देखा था उसके नीचे किसका पिक्चर आया, अभी हमने देखा था ना बॉल, बिग बॉल एंड स्मॉल बॉल, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल, स्मॉल अपोजिट बिग, स्मॉल बिग, स्मॉल बिग, स्मॉल बिग। अब मैं बोल रही हूँ बिग, तो आपको क्या स्पीक करना है, बिग अपोजिट क्या होता है, स्मॉल, यस। चलो मैं बिग बोलू तो आपको बोलना है स्मॉल, बिग, 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 बिग। मैं स्मॉल बोल रही हूँ, स्मॉल अपोजिट बिग, स्मॉल, 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 स्मॉल। बिग अपोजिट स्मॉल तो लर्न कर लिया, अब करेंगे इन अपोजिट आउट, इन मतलब कोई थिंग्स बॉक्स के अंदर रखी हो तो उसे हम इन बोलेंगे, आउट मतलब उसे बॉक्स के बाहर निकालेंगे तो वो हो जाएगा आउट। आप गार्डन से प्ले करने के बाद घर पे आते हो तो घर के अंदर आते हो तो वो हो गया इन, एंड फिर से प्ले करने के लिए घर से बाहर निकले वो हो जाएगा आउट। फिर आपके बर्थडे में बहुत सारी गिफ्ट्स मिलती है ना आपको, तो गिफ्ट बॉक्स के अंदर से गिफ्ट निकलती है तो वो गिफ्ट बॉक्स के अंदर थी तो इन, एंड बाहर निकाली तो आउट। गिफ्ट बॉक्स के अंदर इन, एंड बाहर निकाली तो आउट। फिर मम्मा मार्केट से बहुत सारे वेजिटेबल्स लेकर आते हैं तो वो वॉश करके कहाँ पर रखती है, फ्रिज के अंदर, तो फ्रिज के अंदर वेजिटेबल्स रखे तो वो हो गया इन। फिर कुक करने के लिए वो निकालती है फिर से बाहर तो वो हो जाएगा आउट। वेजिटेबल्स फ्रिज के अंदर रखे तो इन, बाहर निकाले तो आउट। फिर आपको कलरिंग बहुत पसंद है ना, तो कलरिंग करने के लिए क्या चाहिए, कलर्स, तो कलर्स कहाँ पे होते हैं, कलर बॉक्स के अंदर तो वो हो गया इन, एंड कलर बाहर निकाले, कलर बॉक्स के अंदर से बाहर निकालेंगे तो वो हो जाएगा आउट। फिर सुबह सुबह नहाने के बाद आप नए नए क्लीन क्लीन क्लोथ्स पहनते हो तो वो कहाँ पे होते हैं, वार्डरोब के अंदर, तो अंदर है तो क्या हो जाएगा वो इन, एंड फिर पहनने के लिए बाहर निकाले तो। फिर गार्बेज रास्ते में इधर उधर पड़ा हुआ होता है तो वो क्या होता है, आउट, हमें उसे उठाना है और डस्टबिन में थ्रो कर देना है तो वो डस्टबिन के अंदर चला जाए तो वो हो जाएगा इन, बाहर है तो आउट, डस्टबिन के अंदर है तो इन। फिर ये देखो तो मेरे पास कौन कौन सी थिंग्स है, मैं नई नई थिंग्स लेकर आई हूँ आपसे दिखाने के लिए, आपको दिखाने के लिए। ये देखो क्या है, केज, केज के अंदर क्या है, बहुत सारे शेप्स है तो ये देखो ये शेप्स उसके अंदर है तो इन, मैं उसे बाहर निकालू तो आउट, अंदर है तो इन, बाहर निकाला तो आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। फिर क्या है देखो तो मेरे पास, आप स्कूल क्या बोतल लेकर आते हो तो बोतल मम्मा भर देती है ना वॉटर से, तो बोतल के अंदर क्या है, वॉटर, तो वो हुआ इन। फिर घर पे जाके क्या करते हो, आप ये बोतल खाली कर देते हो ना तो वॉटर बाहर निकाल देते हो तो वो हो जाएगा आउट।
बोतल के अंदर पानी है तो वो हुआ इन, बाहर निकाले पानी तो वो हो जाएगा आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। फिर देखो तो ये क्या है, आपने थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी लिसन की थी, तो वो क्या था, ये पोट के अंदर कंकड़ डाल रहा था, मार्बल्स डाल रहा था, तो वो अंदर डाले मार्बल्स तो वो हुआ इन, एंड पानी बाहर आया था ना उसमें से तो वो हो जाएगा आउट, मार्बल्स अंदर डाले तो वो हुए इन, एंड वॉटर बाहर निकला तो वो हुआ आउट। फिर ये देखो तो मेरे पास, आपके पास कंपास बॉक्स है ना, वैसे मेरे पास भी ये बॉक्स है, उसमें से मैंने मार्कर बाहर निकाली तो वो हुआ आउट, अंदर है तो इन, बॉक्स के अंदर इन, बाहर है तो आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। फिर ये देखो बॉक्स है मेरे पास, उसके अंदर मैंने क्या रखा है, बॉल, मैजिक से ये तो बॉल निकला अंदर से। आप भी, आपके बहुत सारे टॉयज होते हैं ना, वो किधर रखते हो, बास्केट के अंदर, बास्केट के अंदर टॉयज है तो वो हुआ इन, एंड प्ले करने के लिए निकालते हो ना तो वो हो जाएगा आउट, ये हुआ इन, ये हुआ आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। फिर ये देखो डॉग आया, वो कहां पर है, घर के अंदर, तो घर के अंदर डॉग है तो वो हुआ इन, एंड बाहर निकाला तो आउट, अंदर है तो इन, बाहर आया तो आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। फिर आपके घर के आसपास कोई डस्ट थ्रो कर दे, गार्बेज थ्रो कर दे, तो आपको क्या करना है, उसे उठाना है एंड वापस डस्टबिन में थ्रो कर देना है। तो ये कूड़ा बाहर था, डस्ट बाहर थी, गार्बेज बाहर था, तो वो हुआ आउट, हमने उसे उठाया डस्टबिन में थ्रो कर दिया, तो ये तो डस्टबिन के अंदर गया ना, तो वो हुआ इन, बाहर है तो आउट, इन आउट, इन आउट, इन। ये बैग के अंदर बुक है तो ये हुआ इन, ये बाहर निकाली तो आउट, अंदर है तो इन, बाहर निकाला तो आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। फिर ये देखो तो मेरे पीछे कौन सा पिक्चर है, ये टेडी बेयर का पिक्चर, वो किसके अंदर है, बॉक्स के अंदर है, यस, तो बॉक्स के अंदर जो टेडी बेयर है उसे हम इन बोलेंगे, एंड उसके बाजू में क्या है, बॉक्स के बाहर निकल गया है तो वो हो जाएगा आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। फिर उसके नीचे क्या है, ये गर्ल हाउस के अंदर गई, तो हाउस के अंदर जो गर्ल है उसे हम इन बोलेंगे, हाउस के बाहर है उसे हम आउट बोलेंगे, जो घर के अंदर है वो इन, बाहर है वो आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। फिर ये क्या है, मंकी, वो कहां पर है, डेन के अंदर, तो डेन के अंदर जो मंकी बैठा हुआ है उसे हम इन बोलेंगे, एंड डेन के बाजू में बाहर है उसे हम आउट बोलेंगे, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। फिर उसके नीचे क्या है, ये बॉय उसके घर के अंदर जा रहा है, देखो तो अंदर जा रहा है तो वो क्या हुआ, इन। दूसरा बॉय उसके बाजू में है, वो क्या कर रहा है, वो गेट से बाहर आ रहा है तो वो हो जाएगा आउट, जो गेट के अंदर जा रहा है वो इन, जो गेट से बाहर निकल रहा है वो आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। अब मैं बोलूंगी इन, तो आपको बोलना है आउट, क्योंकि इन अपोजिट आउट होता है ना, इसलिए मैं इन बोलूंगी तो आपको आउट बोलना है, इन 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 इन। अब जैसे इन अपोजिट आउट होता है ना, वैसे ही आउट अपोजिट क्या होगा, इन। तो अब मैं बोलूंगी आउट, तो आपको इन बोलना है, आउट आउट
साउंड